हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि। आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, माता रानी आप सभी लोगों के ऊपर ढेर सारी कृपा बरसाएं, धन धान्य से आप लोगों का घर भर दें। तो फ्रेंड्स, आज हम माता रानी का श्रृंगार करेंगे, तो इसका वीडियो आप ज़रूर देखें और पूरा देखें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको श्रृंगार कैसा लगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर जरूर सेट कर दें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। नवरात्रि शुरू हो चुकी है और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो चौथे दिन के लिए हमें परजाता के फूल को इकट्ठा करना पड़ेगा, जिसके लिए हम आज तीसरे दिन में रात को ही यहाँ पर एक कपड़े को बिछा दे रहे हैं परजाता के पेड़ के नीचे, ताकि रात में परजाता का फूल जो खिला हुआ है वो भोर में झड़ने लगता है तो वो कपड़े पर ही गिरे और ज़मीन पे ना गिरे। तो देखिए कितना अच्छा परजाता का फूल खिल चुका है और इसका महक, इसका स्मेल इतना अच्छा है, इतना मनमोहक है, जैसे लग रहा है कि परफ्यूम यहाँ पर छिड़का हुआ है। परजाता के पेड़ के बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, तो आप उसे भी ज़रूर सुने। हालांकि हमें कहानियाँ याद तो नहीं हैं, लेकिन हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि परजाता का जो वृक्ष है वो स्वर्ग लोक से धरती पर आया है, इसीलिए इसकी खूबसूरत इसका दृश्य होता है। इसकी पत्तियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं और इसका जो पत्ती वगैरह है इसे हम काढ़ा बना करके पी सकते हैं। ये जड़ी बूटियों और औषधियों का काम करती हैं। तो चलिए, काफ़ी रात हो चुकी है और अब हम सुबह देखते हैं कि इस पे कितने सारे फूल गिरे हुए हैं। तो सुबह हो चुकी है और देखिए ज़मीन पर कितने सारे फूल गिरे हैं और कपड़ों पर भी कितने सारे फूल गिरे हैं, और इसमें फूल के साथ साथ बीज भी गिरते हैं, जो कि बहुत ही छोटे दानेदार होते हैं और काले रंग में होते हैं। तो देखिए कितने सारे परजाता के फूल गिरे हैं, और रात में आपको परजाता का जो वृक्ष है वो थोड़ा मुरझाया हुआ लगता है, लेकिन जैसे ही सुबह होता है वो एकदम ही खिलखिला उठता है, उसकी पत्तियां एकदम खिलखिला उठती हैं। तो चलिए हम आपको परजाता के वृक्ष को दिन में दिखाते हैं, रात में तो हमने दिखाया ही था। तो देखिए यहाँ पे तुलसी का पौधा है और गुलाब का पौधा है और इसी के बगल में ये परजाता का पौधा है। तो दिन में कितना अच्छा एकदम खिलखिला उठा है और रात में आपने देखा कि मुरझाया मुरझाया सा था। और परजाता के कुछ फूल इनके पत्तियों पर भी गिरे हुए हैं झड़ करके। तो अब हम इस फूल को इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद हम जब पूजा करने जाएंगे तो माता रानी का श्रृंगार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े पर का फूल ही कितना सारा हो चुका है, तो ये पर्याप्त तो होता है पूजा करने के लिए। और जो ज़मीन पर का फूल है वो हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो कपड़े पर सारे फूल इकट्ठे हो चुके हैं, अब हम इसे डलिया में रख दे रहे हैं और इसे मंदिर में लेकर के चलते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े पर का ही फूल परजाता का जो है वो सिर्फ एक डलिया के लगभग हो चुका है, और अगर हम ज़मीन पे का भी उठाएं तो दो डलिया अच्छे से हो जाता है, लेकिन हम लोग ज़मीन पे का जो फूल है उसे नहीं यूज करते हैं, उसे वैसे ही छोड़ देते हैं, साफ सफाई कर देते हैं ताकि दोबारा हम कपड़ा फैला सके और दूसरे दिन का फूल ले सके। तो हमने परजाता के साथ साथ गुड़हल के फूल को भी इकट्ठा कर लिया है, उसका भी पेड़ घर में ही है। तो अब देखिए हमारा श्रृंगार कैसा हुआ है। हमने श्रृंगार कर दिया है भगवान का, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको श्रृंगार कैसा लगा। और हमने श्रृंगार करके पूजा उजा करके तब इस वीडियो को हम बना रहे हैं। अगर आपने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर जाए और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि हम वहाँ भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहते हैं। और हमारा एक दूसरा चैनल भी है, कार्टून चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पर जाएँ और उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर ज़रूर सेट कर लें, क्योंकि हम अच्छे अच्छे कार्टून वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको परजाता के फूल से नवरात्रि श्रृंगार कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर ज़रूर सेट कर दें, ताकि आपको हमारा हर वीडियो जल्द से जल्द पहुंचता रहे और आप उसका आनंद लेते रहें। हमारा किचन वीडियोज़ भी है इसी चैनल पर आता रहता है और व्लॉग्स भी आता रहता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।